फौज में जो भी जवान लड़ता है ना, वो नाम नमक निशान के लिए करता है। सो अगर वो जवान उठ के जो है जोश में एकदम चार्ज करता है, इट्स बिकॉज ही फील्स इट इज़ हिज ड्यूटी, नॉट बिकॉज ही इज़ बीन ऑर्डर टू डू इट। उसका कर्तव्य है, इसलिए उसको उसमें स्ट्रेंथ मिलता है। उसमें आर्टिलरी शेलिंग, रॉकेट लॉन्चर्स, मोटर्स, एज वी वेंट ऑन क्लोजर, मशीन गन फायर, स्मॉल आर्म्स फायर, माई गुडनेस, अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजन एंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर दे मस्ट हैव ब्लोन ऑन अस। और जब भी मेरा जवान गिर जाता बुलेट से, मैं उसको आइस बॉल बना के उसके जहाँ भी बुलेट होल होता था, जहाँ से खून बह रही होती थी, उसको हम ब्लॉक करते थे ताकि खून ना बहे। उस जवान की हिम्मत को देखो, इवन इन अ सिचुएशन लाइक दैट, उसको पूछा कि बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको एक जगह ले जाऊंगा, राइफल से आप पॉइंट करके जो है जिस बंकर से फायर आ रहा है उसमें तुम फायर करते रहो ताकि हमें भी फायर सपोर्ट मिले। बट नेक्स्ट डे व्हेनेवर हमारा काम वहाँ कंप्लीट हो जाता है, मैं खुद आके तेरे को अपने कंधे में बिठा के नीचे ले जाऊँगा। तो जवान वहाँ का हर जवान ने यही बोला कि साहब हमें पता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस इलाके को डेलाइट होने से पहले कैप्चर करें, तो डोंट वरी, आई एम, इट्स वेरी पेनफुल, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा पूरा शरीर खोखला हो गया बिकॉज देयर नो ब्लड, बट वी विल वेट साहब, आप काम ख़त्म कीजिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड यू कम बैक एंड टेक अस। एंड राइट हियर आई वांट टू टेल यू, जहाँ मैंने सोचा था कि एक दिन में वो ख़त्म करके मैं वापस आऊँगा इस जवान को फिर इवैक्यूएट करने के लिए, इट टुक अस मोर टाइम, इट टुक अस 2-3 डेज। एंड बाय द टाइम आई केम बैक, दिस जवान वर लाइंग डाउन देयर, देयर राइफल्स वर पॉइंटेड टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव विच आई हैड गिवन देम, देयर फिंगर वाज प्रेसिंग द ट्रिगर, देयर वाज नो बुलेट इन द मैगजीन, बट दे वर फ्रोजन सॉलिड लाइक अ आइस ब्लॉक। सो टिल द लास्ट बुलेट एंड द लास्ट ब्रेथ दे फॉट and they died, and that is the quality of the Indian soldier, yeah, Indian army soldier. I really say hats off to the spirit of our soldiers, and it's because of people like our soldiers that our nation is very secure, and today ours is one of the strongest and the most professional armies in the world.